सिर्फ दूध और कुछ ही सामान के साथ बना हुआ ये बर्फ़ी अगर आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो इसके आगे आपको सारी मिठाइयाँ फीकी लगेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये खाने में इतना लाजवाब और देखने में इतना खूबसूरत होता है कि कोई नहीं कह पाएगा कि आपने इसको घर पर बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेज़ी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिल्क बर्फ़ी बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक लीटर दूध ले लेंगे एक कढ़ाई में और इसको हम गर्म कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आज गाय का दूध इस्तेमाल किया है। दूध को अभी हमें गाढ़ा करना है जब तक कि वो आधा नहीं हो जाता रिड्यूस होके। ये देखिए, लगातार इसको चलाते रहे बीच बीच में, वरना ये नीचे से चिपक भी सकता है। दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी छेना, जो कि दूध को फाड़ के बनाया जाता है। तो ये लगभग आधा लीटर दूध का छेना हमने डाला है इसमें। छेना कैसे बनाया जाता है अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको इसका वीडियो शेयर कर दूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा ऑप्शनल है वैसे, लेकिन अगर आप इसको डालते हैं तो इससे बर्फ़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है। अगर आपके पास बुरादा ना हो तो आप सूखी नारियल को घस कर भी इसमें डाल सकते हैं। नारियल डालने से इस बर्फ़ी में बहुत ही अच्छा थिकनेस आ जाता है। ये देखिए, बहुत ही फटाफट से थिक भी होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि नारियल इसमें ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर। तो मैंने नॉर्मली इलायची को पीस लिया था मिक्सी में और इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिठास के लिए मैं ऐड कर रही हूँ गुड़ का पाउडर। तो मैंने गुड़ लिया है, उसको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया था जिससे कि गुड़ को मेल्ट होने में आसानी होगी। तो इस रेसिपी में आप गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि गुड़ हेल्दी होता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है गुड़ का इस रेसिपी में, क्योंकि हमने नारियल का यूज़ किया है और नारियल और गुड़ दोनों ही बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। गुड़ डालने के बाद इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ये मिक्सचर अच्छे से बिल्कुल सॉलिड नहीं हो जाता और इस तरीके से गाढ़ा सा नहीं हो जाता। अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा घी। घी डालने से जो मिक्सचर है वो एक साथ आ जाएगा और जितना भी पानी है वो सूखने में आसानी होगी। तो इस रेसिपी में जैसा कि आपने देखा, बहुत ही हल्का सा घी मैंने यूज़ किया है। तो ये मिक्सचर अच्छे से ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना है और ज़्यादा गीला भी नहीं छोड़ना है। अगर आप ज़्यादा गीला छोड़ देंगे तो ये सेट नहीं होगा, अगर आप ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो ये देखिए, आप अपने हाथों की मदद से चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर ये एक साथ इस तरीके से आ रहा है, यानी कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है सेट होने के लिए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कढ़ाई के साइड्स को भी छोड़ने लग चुका है, जिसका मतलब है कि मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक बर्फ़ी ट्रे ग्रीस कर लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी टिफ़िन और या कोई भी प्लेट ले सकते हैं जिसमें आप बर्फ़ी को सेट करना चाहते हैं। उसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ताकि वो नीचे से चिपक ना जाए। और अब इसमें बनाए हुए बर्फ़ी को मिक्सचर हम ऐड कर देंगे। तो आप बर्फ़ी का टेक्स्चर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से ये सेमी सॉलिड जैसा लगना चाहिए। अगर आप ऐसे इस बर्फ़ी को बनाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग बनेगी। हम बर्फ़ी को अच्छे से ऊपर से दबा देंगे और प्रेस कर देंगे जिससे कि वो बिल्कुल इवन हो जाए। और इसको अब हम एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो एक घंटे के बाद हमारा बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। और अब इसके ऊपर मैं डेकोरेशन के लिए चांदी का वर्क लगाऊंगी, क्योंकि हम इसको आज मार्केट वाला लुक देने वाले हैं। तो इसमें मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर ऊपर से आप ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। तो चांदी का वर्क लगाने से इस बर्फ़ी में बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है और कोई नहीं कह पाएगा देख के कि आपने इस बर्फ़ी को घर पर बनाया है। ये बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली बर्फ़ी की तरह लगता है। तो अब हम इस बर्फ़ी को अपने मन चाहे शेप्स एंड साइजेस में काट देंगे। मैं आज इसको नॉर्मल स्क्वायर शेप में काट रही हूँ और ये देखिए, कटने में भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल परफेक्ट बना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, ना ही ज़्यादा टाइट लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है।
तो आप इस रेसिपी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं मुझे फीडबैक में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको इस रेसिपी में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो मैं आपको एक बर्फ़ी उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, माउथ मेल्टिंग होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है, ना ज़्यादा मीठा होता है ना ही ज़्यादा रिच होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, किसी भी ओकेजन में, किसी भी फास्टिंग में आप इस बर्फ़ी को खा सकते हैं, गिल्ट फ्री इन्जॉय कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। मैं आपसे मिलूँगी एक और नई और मज़ेदार रेसिपी लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।